शेर के इतने करीब आना, उससे पंगा लेना ही है। लॉयन सफारी में तो वैसे भी जंगली शेर रहते हैं, यहां तो सर्कस और चिड़ियाघर के शेरों का मूड कब खराब हो जाए ये कोई नहीं जानता। शेर के करीब आकर पंगा लेने का खामियाजा भारतीय मूल की मार्शल आर्ट एक्सपर्ट महिला को भी भुगतना पड़ा। वो इस गफलत में थी कि पालतू शेर उनका क्या बिगाड़ेगा, और जब शेर का मूड बिगड़ा तो कोई दाव काम नहीं आया। इंसान पर टूट पड़ा, भड़क गया जंगल का राजा, बेकाबू हो गया शेर। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें एक पल के लिए आपको बेचैन कर देंगी। ये देखिए कि किस कदर एक महिला पर हुआ शेर का हमला। क्या बच गई ये महिला, क्या शेर के जबड़ों से छूटी ये महिला, ये सवाल आपको परेशान कर रहा होगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर देखिए कि अगर जंगल का राजा गुस्से में आ जाए तो वो क्या कर सकता है। एक बार अगर शेर का दिमाग फिर जाए तो वो इंसानों को छोड़ता नहीं है। दिल दहला देने वाला ये वाक्या है कनाडा के बॉबमैन विलेज चिड़ियाघर का। एक मैगजीन का फोटोशूट चल रहा था। देसी लाइफ मैगजीन के कवर पेज के लिए हो रहे फोटोशूट में भारतीय मूल की मार्शल आर्ट ट्रेनर गीतांजलि कोलानाद शिरकत कर रही थी। शेर पालतू था, उसका ट्रेनर भी साथ में मौजूद था और शेर के गले में बंधी थी लोहे की जंजीर। इसलिए गीतांजलि बेफिक्र होकर शेर से कुछ ही दूरी पर हवा में हाथ पैर मारकर मार्शल आर्ट की नुमाइश कर रही थी। पास ही बैठा शेर अपने ट्रेनर से बेकाबू होकर टूट पड़ा गीतांजलि पर। गीतांजलि कुछ समझ पाती इससे पहले शेर उन्हें पूरी तरह से दबोच चुका था। शेर की इस खतरनाक हरकत को देखकर शूटिंग के दौरान मौजूद सभी लोग सहम गए। गीतांजलि पर शेर इस कदर हावी था कि वो अपने हाथ पैर भी बड़ी मुश्किल से झटक पा रही थी। 182 किलो वजनी शेर के वजन से उनका दम घुटने लगा। सबको लगा कि अब वो नहीं बचेगी। लेकिन तभी शेर के ट्रेनर हरकत में आ गए। उन्होंने गीतांजलि को शेर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से अपने ट्रेनर के काबू में आया पालतू शेर। शेर के चंगुल से छूटने के बाद गीतांजलि ने भी माना कि अगर 2-4 मिनट की देरी हुई होती तो वो हो जाती शेर का शिकार। शेर के ट्रेनर को भी पहली बार एहसास हुआ कि कोई भी ट्रेनिंग शेर का मिजाज नहीं बदल सकती, ना ही कोई इंसान ये समझ सकता है कि कब कौन सी बात पर आ जाए वनराज को गुस्सा। आज तक प्योर।